नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन आपको टर्म समझने के लिए आपको एक सबसे जरूरी चीज जो है, आपको रियल एनवायरनमेंट अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो रियल एनवायरनमेंट में और लॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, रियल एनवायरनमेंट और लॉजिकल एनवायरनमेंट में ये जो वर्चुअलाइजेशन है, एक बहुत बड़ा चेंजेस लेके आया था, ठीक है। तो सीन क्या होता था इन द हिस्ट्री बिफोर वर्चुअलाइजेशन, अगर आपके पास एक हार्डवेयर है, ठीक है, तो आप इस हार्डवेयर के ऊपर एक ही ओएस यूज कर सकते थे, ठीक है, वन ओएस ही आप यूज कर सकते थे। अब इसमें जो भी रिसोर्सेज अगर हार्ड डिस्क आपने लगाई हुई है, तो आप उसी उस सिंगल मशीन पे आप उसको यूज कर सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपने नेटवर्किंग की हुई है, तो भी उसको आप यूज नहीं कर सकते थे, मतलब उसको आप मल्टीपल नेटवर्क्स के लिए यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने अब एक लैन कार्ड लगाया, तो वो इसी सर्वर के लिए यूज कर सकते थे आप, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे जैसे टर्म ऑफ आ गया, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, स्टोरेज और नेटवर्क, ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी, हम एक ही मशीन पे यूज कर सकते थे, हम उसको रिसोर्सेज हमारे अगर यूज नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई ट्रैफिक नहीं है, या इतना डेटा नहीं है, और ओएस जो उस पर अगर इतनी हमारी पॉलिसीज नहीं है, वो हमारे यूज नहीं हो रहे, ठीक है। तो उस चीज को लेकर यहाँ पे एक नया एनहेंसमेंट आया था, जिसको हम वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब इसका वर्चुअल मशीन से ही आप समझ रहे हो कि भाई वर्चुअल मशीन क्या होती है। सीधी सी बात है, वर्चुअल मशीन जो है, नॉर्मल सी बात है, आपका कोई आपके सामने नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां पे एक वीटी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, वर्चुअल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, जिसकी मदद से आप एक सिंगल हार्डवेयर पे, ठीक है, मल्टीपल ओएस सिस्टम यूज कर सकते थे कुछ एप्लीकेशंस की हेल्प से, जैसे कि विंडोज की तरफ से हाइपर वी, ठीक है, वी बॉक्स फ्रॉम ओरेकल, ठीक है, और वीएमवेयर। ये जनरल थ्री सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, इन तीनों को अगर आप यूज कर सकते हो, करते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने एक होस्ट खरीदा, अच्छा, ठीक है, हम इस साइड लिख लेते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ये प्रोसेसर है, 8 कोर आपने प्रोसेसर लिया, ठीक है, और 16 GB रैम मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और 1 TB हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, 2 LAN अडाप्टर आप ले लो, ठीक है, 2 LAN अडाप्टर यहाँ पे हैं, 1 GB के या 10 GB के हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब पहले सिनेरियो में क्या था कि आपको सिर्फ क्या यूज हो रहा था, ये सब चीजें एक ही मशीन के ऊपर आप यूज कर पा रहे थे, दूसरे उसके ऊपर तो यूज नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे एक फीचर एनहेंसमेंट हुई वीटी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने ओएस इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब उसके ऊपर आप इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, तो इस मशीन के ऊपर, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप मल्टीपल न्यू मशीन बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे 4 मशीनें आप बना लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, मैंने 5 मशीनें बना ली इसके ऊपर। एक मैंने बना लिया कोई भी एप्लीकेशन है, मतलब जैसे CRM वगैरह कुछ होता है, कोई भी CRM आप बना लो अपने एप्लीकेशन, आपने एक मशीन, मतलब कि एक सिंगल हार्डवेयर के ऊपर आपके पास 6 मशीनें चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना था, सिर्फ एक मशीन आपकी वर्क कर रही थी, और यहाँ पे इस हार्डवेयर के ऊपर आपने 6 मशीनें सेटअप कर दी, ठीक है। तो ये हमारा वर्चुअलाइजेशन, कि जहां पे आप सिंगल हार्डवेयर या सिंगल हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल मशीन आप सेटअप कर सकते हैं, उसे वर्चुअलाइजेशन हम कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम CRM हो गया, यहाँ पे मैंने एक्सचेंज भी डाल दिया, ठीक है,
एक्सचेंज मैंने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन वाला सर्वर मैंने कर लिया, फिर यहाँ पे मैंने डीसी कंट्रोलर डाल दिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे इस वाली मशीन पे मैंने स्टोरेज बना दिया, ठीक है, फाइल सर्वर, मैंने फाइल सर्वर बना दिया, सॉरी फाइल सर्वर बना दिया। 3 बजे हुए यार, 3:30 सुबह के, तो मैंने ये फाइल सर्वर बना दिया। तो अब मेरा क्या कहा हुआ कि इस ओएस के ऊपर, इस मशीन के ऊपर मेरी 5 मशीन एक्स्ट्रा चल रही है और 6 मशीन जो है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी चल रही है, जो मैंने ओएस डाल दिया, जिस मशीन की हेल्प से मैं कैपेबल हुआ कि इस पे मैं विंडोज हाइपर वीबॉक्स ओरेकल और वीमवेयर में यूज कर सकूं, ठीक है। तो यही वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप रियल एनवायरनमेंट में जाते हैं जॉब के लिए, तो वहां पे आप न्यू सेटअप नहीं कर सकते और ना ही आप R&D कर सकते हो, ठीक है, R&D आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप वर्चुअल बॉक्स आप इंस्टॉल करो, या फिर हाइपर भी आप यूज करो, वीमवेयर यूज करो, वहां पे आप सर्वर्स बनाओ, ठीक है, अपने नॉर्मल मशीन में भी आप सर्वर बना सकते हो, वहां पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करो, DHCP इंस्टॉल करो, ठीक है, WDS आप इंस्टॉल करो, WSUS आप यूज करो, ठीक है, प्रिंट सर्वर आप बना सकते हो, और FTP आप इंस्टॉल करो, वेब आप इंस्टॉल करके देखो, IIS, ठीक है, ये सब चीजें आप करके देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ VBox, VMware और Hyper-V, ये सब चीजें आप करके आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हिट करके लाइक बटन हिट मारें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।